बात यूपी की। 69,000 शिक्षक भर्ती पर बड़ी खबर, ओबीसी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। ओबीसी अभ्यर्थियों की सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की मांग, 4,000 ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, कैविएट यहां पर दाखिल की गई है। कैविएट दरअसल एक प्रक्रिया है जिसमें यह कहा जाता है कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले आप हमारा पक्ष जरूर सुनिए, और इसी को लेकर के ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सर्वोच्च अदालत में कैविएट दाखिल की है। यानी कि उन्होंने मांग की है कि उनका पक्ष भी इस पूरे मसले पर सुना जाए। 4,000 ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग, 69,000 शिक्षक भर्तियों से जुड़ा यह पूरा मामला, और इसको लेकर के हमने देखा कि सियासत किस तरीके से यूपी में तेज रही। लेकिन आज जो बड़ी खबर है और जो बड़ी तस्वीर है वो ये कि ओबीसी अभ्यर्थियों की तरफ से सर्वोच्च अदालत में कैविएट दाखिल की गई है। अब आगे पूरा मामला किस तरफ से बढ़ेगा वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी मांग सुनने का अनुरोध किया है सर्वोच्च अदालत से कैविएट के जरिए। 4,000 ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग, और इसको लेकर के प्रदर्शन का दौर भी हमने देखा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मसला, और इसी को लेकर के ओबीसी अभ्यर्थियों की तरफ से कैविएट दाखिल कर अपना मांग, अपना पक्ष रखने की भी गुजारिश सर्वोच्च अदालत से की गई है। बड़ी जानकारी, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला, और इसी को लेकर के जो बड़ी तस्वीर है, जो बड़ी खबर है वो ये कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं जो कि लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, 4,000 उनकी संख्या है, उन्होंने अपनी तरफ से कैविएट दाखिल किया है सर्वोच्च अदालत में।